तो फ्रेंड कैसा है आप लोग। चलिए आज वीडियो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? क्लास 12 के बारे में बात करने वाले हैं जिनका आपका कंप्यूटर साइंस है या फिर आईटीई है, उन्हीं वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए हैं वो सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी उम्मीद है, और अच्छे से तैयारी कीजिए। उसको जितना भी हम लिखाए हुए हैं पीडीएफ जितना भी हम प्रोवाइड करवा दिए हैं वीडियो में, वो सर आप कॉपी में उतार लीजिएगा। जिसका जो कंप्यूटर साइंस वाला होगा कंप्यूटर साइंस लिखिएगा, आईटीएस वाला होगा आईटीएस वाला लिखिएगा, मीडिया एंटरटेनमेंट वाला हो तो मीडिया एंटरटेनमेंट वाला लिखिएगा, ठीक है। तो आज की टॉपिक जो होगी वो होगी आपकी डेटा स्ट्रक्चर। क्या होगी? डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ से आपको वन या दो क्वेश्चन या थ्री क्वेश्चन देखने को यहाँ से एमसीक्यू में मिलेगी आपको, ठीक है। क्योंकि आपके सिलेबस में पाइथन दिया है। क्या दिया है? पाइथन दिया। तो पाइथन दिया इसका मतलब आपको डेटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। काम कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होती है डेटा स्ट्रक्चर? कहता है कि किसी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर तथा ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्थित करने का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है, जिससे कि बाद में हम क्या कर सकते हैं आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं। कहने का मतलब है एग्जांपल के थ्रू समझिए आप कि मान लिया अगर हम किसी मोबाइल वाले दुकान पे जाते हैं जो सॉन्ग वगैरह सब गाना वगैरह सब डालते थे, अब जो सबके पास मोबाइल हो गया एंड्रॉइड का गाना वगैरह सब वीडियो वगैरह सब डालवाने नहीं जाता है, फिर भी कोई कोई जाता है। तो आप मोबाइल शॉप पे चले गए और वो देखना दुकानदार क्या करता है कि वो दुकानदार ये MP3 रहेगा सॉन्ग रहेगा। अब MP3 में एक अलग फोल्डर बना के रखेगा, इसके अंदर क्या रहेगा अलग फोल्डर बना के रखेगा। इसमें आपका जो सॉन्ग होगा वो होगा आपका ओल्ड सॉन्ग होगा, दूसरे वाले में फोल्डर में बना के नाम रखेगा, उस फोल्डर का नाम हो जाएगा आपका न्यू सॉन्ग इस तरह से। फिर तीसरा जो फोल्डर होगा वो आपका सोलो सॉन्ग रहेगा, चौथा जो होगा वो आपका भोजपुरी हो जाएगा। इस टाइप से वो क्या करता है बना बना के रखता है। तो दुकानदार ऐसा क्यों रखता है, अलग अलग फोल्डर बना के क्यों रखता है? अगर नहीं रखता तो क्या होता है समझिए थोड़ा सा। कि मान लिया जाए ये MP3 ये फाइल या पिन ये फोल्डर बना के नहीं रखता, ठीक है, और आप जाते हैं मोबाइल वाले के पास दुकानदार के पास कि मेरी जो मेमोरी है इसमें आप हमको साउंड डाल दीजिए। तो साउंड डाल दीजिए आपसे पूछता कि कौन साउंड चाहिए आपको, कौन MP3 चाहिए। तो आप बोलते हैं कि जितना भी न्यू साउंड है ना वही हमको डालिए, हमको ओल्ड सोलो भोजपुरी साउंड को नहीं चाहिए। तो अगर वो अलग अलग नहीं करके रखता, सब एक ही फोल्डर में एक ही में सब साउंड रखता और आप वहां से आते कि हमको सिर्फ न्यू साउंड दीजिए, तो चुन चुन करके देने में बहुत टाइम लग जाता। अगर बायस 32 GB का मेमोरी हो तो आपको फुल भी नहीं कर पाते क्योंकि चुन चुन के देना पड़ता है 1600। इसीलिए उसने क्या करता है अलग अलग फोल्डर बना करके रखता है, जैसा आपको मर्जी हो वैसा आप सॉन्ग ले सकते हैं। 1600 लेना है तो 1600 वाले फोल्डर पे जाएगा, कॉपी करके आपकी मेमोरी में पेस्ट कर देगा। न्यू वाले मांगेगा न्यू वाले का कॉपी करके उसमें पेस्ट कर देगा। तो वही चीज यहाँ करता है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर तथा ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का मतलब अगर हिंदी देखा जाए तो इसको व्यवस्थित बोलते हैं कि तुम इस तरह से डेटा को सजा के रखो, इस तरह व्यवस्थित करके रखो, बाद में अगर वो बच्चा है कोई भी अगर आए कोई भी पर्सन आए उसको डेटा देने में क्या हो उनको आसानी हो, उसी को हम क्या बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो आवाज में चेंज होता होगा, ठीक है, क्योंकि तबियत बहुत खराब हो गई इसलिए वीडियो भी हमने नहीं बना पाएगी, माफ करो थोड़ा सा, ठीक है। दूसरी पॉइंट कहता है कि डेटा स्ट्रक्चर जो है ना वो C++ जावा की तरह कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर C++ जावा की तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये क्या है ये एल्गोरिथम का एक सेट। क्या है एल्गोरिथम का? क्या है एक सेट। अब सर एल्गोरिथम क्या होती है? अब एल्गोरिथम के बारे में भी बात कर लेंगे कि एल्गोरिथम होता क्या है, ठीक है। अब एल्गोरिथम के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा देखिए एल्गोरिथम क्या होती है, समझिए थोड़ा सा एल्गोरिथम क्या होती है। एल्गोरिथम एक होती है एल्गोरिथम, दूसरा होता है फ्लो चार्ट। इसको भी एक चैप्टर में विदिन वीडियो बनाएंगे उसमें भी इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। एक होती है एल्गोरिथम दूसरा होता है फ्लो चार्ट। क्या होती है एल्गोरिथम? कहता है कि किसी भी प्रॉब्लम को जो स्टेप बाय स्टेप
जो सॉल्यूशन करते हैं किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसके बाद किस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। फॉर एग्जांपल के तौर आप समझ लीजिए जरा सा, मान लिया जाए हमको क्या बनाना है, चाय बनाना है या हलवा बनाना है। चाय बनाना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बर्तन वगैरह सब जो होगा सब बोल लेंगे, उसमें फिर पानी दूध डालेंगे, उसके बाद चीनी डालेंगे, फिर चाय डालेंगे, इस टाइप से मेरा बनता है। तो जो स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। अब दूसरी बात फॉलो चार्ट क्या होती है, फॉलो चार्ट वो होती है जिसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फॉलो चार्ट। अगर आई होप समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो ये जो है ना इसका चैप्टर हम एक दिन आएंगे, एक एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को दोनों को आसानी से समझा देंगे। बेसिकली हम इसलिए समझा रहे थे क्योंकि यहां दिया था एल्गोरिथम का एक सेट है। एल्गोरिथम का मतलब क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम को जो स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। क्लियर है? चलिए अगला हम देखते हैं थोड़ा सा कि डेटा स्ट्रक्चर जो होती है ना, डेटा स्ट्रक्चर ये टू टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है, ये टू टाइप का होता है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये कितना टाइप का होता है आपका डेटा स्ट्रक्चर, टू टाइप का होता है। कौन कौन होता है, पहला आपका होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। कौन सा होता है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है। दूसरा आपका कौन सा होता है, वो होता है आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा यहां से। पहला क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। दूसरा क्या होता है आपका, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर भी टू कैटेगरी में इसको बांटा गया है। कौन कौन सा बांटा गया है, पहला आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। दूसरा आपका कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, वो आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। कौन सा है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है, आपका एरे आता है, आपका लिंक्ड लिस्ट आता है, आपका लिफो होता है, आपका फिफो होता है। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के साथ क्या क्या आता है, ट्री आता है, ग्राफ आता है, टेबल आता है और सेट आता है। तो समझ लीजिए कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होती है। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होती है, जो कि डायरेक्ट मशीन से ऑपरेट कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। जो डायरेक्ट मशीन समझ लेता है, जो भाषा डायरेक्ट आपको कंप्यूटर समझ लेता है, जो मशीन से ऑपरेट कर लेता है डायरेक्ट, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जो डायरेक्टली मशीन नहीं समझता, इनडायरेक्ट में समझता है, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर है यहां तक? उसके बाद एक होती है लीनियर, दूसरा होता है नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब होता है रेखीय। क्या होती है, रेखीय। इसमें डेटा को हम लोग क्या करते हैं, रेखीय रूप में स्टोर करके रखते हैं। और नॉन लीनियर मतलब इसमें समझ लीजिए कि सीक्वेंशियल के रूप में हम लोग रखते हैं। इसमें रखते हैं सीक्वेंशियल तरीके से हम लोग इस डेटा को सजा के रखते हैं। तो ये थी हमारी डेटा स्ट्रक्चर का टाइप। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा सर, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, यहां से आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन, ऐसा दे दिया जाए कि इनमें से नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन नहीं है, ऐसे दे देगा, कौन नहीं है। ऑप्शन दे देगा आपका ट्री, ऑप्शन बी दे देगा आपका टेबल, ऑप्शन सी दे देगा आपका लिंक्ड लिस्ट, और ऑप्शन डी दे देगा आपका बोथ ए एंड बी, ऐसे आपसे क्वेश्चन दे देगा। तब क्या कीजिएगा, तो देखिए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जब तक ये चार्ट आपको दिमाग में नहीं बैठ जाएगा तो आप इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है, तो अब यहां पूछा है कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन नहीं है, नहीं मतलब यहां टैग वर्ड लग गया नहीं है, तो नहीं है। तो आप जरा देखिए ट्री, ट्री क्या आपका नॉन लीनियर है, लेकिन पूछा है नहीं है। टेबल क्या है, टेबल आपका नॉन लीनियर है। लिंक्ड क्या है, ये लिंक्ड लिस्ट क्या है, आपका लीनियर है। तो आंसर कौन सा जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। इसी टाइप का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन। किसी को यहां कोई दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत अगर यहां समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे तो हम कर देंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज और है इसके अंदर। अब हम बात करेंगे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, आपको यहां से पूछेगा लिफो और फिफो से पूछेगा। तो
तो इसको हम चलिए देखते हैं कि लीफो क्या होती है और फीफो क्या होती है। थोड़ा सा बात कर रहे थे, लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, दूसरा होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। अच्छा ये जो वीडियो है कंप्यूटर साइंस वाला भी देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए नहीं दिक्कत है क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर आपके 12th क्लास में पूछता है, एग्जाम में पूछेगा यहां से भी, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस और आईटी आईटीएस वाला भी, आईटीएस वाला इसको देखना है, ठीक है। एक चीज वीडियो में मिस हुआ है, ये मिस हुआ है कि जहां पे नन, जहां पे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर लिखे हैं, यहां पे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप लिखे थे ना यहां पे लिंक्ड लिस्ट, उसके बाद लिखे थे आपका एरे, तो उसके बाद जो हमने लिखा था लीफो, तो लीफो नहीं लिखना है, इसके बदले में आपको क्या लिखना है, स्टैक लिखना है। क्या लिखना है याद रहे, क्या लिखना है, स्टैक लिखना है। तो मिस हो गया है। दूसरे में फीफो जो है, फीफो के बदले में आपको लिखना है क्यू, क्या लिखना है क्यू, ये बात ध्यान से रख, चेंज कर लीजिए कॉपी में, जब नोट कीजिएगा तो इसको क्या कर लेना है आपको चेंज कर लेना है, लीफो के जगह स्टैक कर दीजिएगा, फीफो जगह क्यू कर दीजिएगा। हालांकि गलत नहीं है, लेकिन स्टैक के अंदर ही लीफो आता है, क्यू के अंदर ही फीफो आता है, तो इसको आप आसानी से लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए अब स्टैक के बारे में बात करते हैं, स्टैक होता क्या है, तो समझिए स्टैक क्या होती है। कहता है कि स्टैक जो होती है ना, स्टैक एक नॉन प्रिमिटिव मिटिव तथा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, होता है जो कि LIFO लीफो के सिद्धांत पर, किस पे, लीफो के प्रिंसिपल पर, सिद्धांत पर कार्य करती है। मतलब कि स्टैक जो होती है वो एक नॉन प्रिमिटिव तथा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि लीफो के प्रिंसिपल पर कार्य करती है। अब सर लीफो क्या होती है, तो समझिए लीफो क्या होती है। लीफो देखिए, इसका पूरा नाम लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, समझिए थोड़ा सा लास्ट इन फर्स्ट आउट का सब डेफिनेशन दे देते हैं हमको, तब आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब अर्थात जिस आइटम को सबसे पहले ऐड करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ऐड करते हैं उस आइटम को सबसे बाद में रिमूव कर दिया जाता है, तथा जिस आइटम को सबसे बाद में ऐड किया जाता है उस आइटम को सबसे पहले रिमूव कर दिया जाता है। क्या कहता है, रिमूव कर दिया जाता है। थोड़ा सा समझ लीजिए अब क्या हम लिखे, क्या बात किए। हमने लिखा है कि लीफो क्या होती है, इसका पूरा नाम लास्ट इन फर्स्ट आउट होती है, जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। अर्थात का मतलब है, अच्छा उससे पहले समझ लीजिए स्टैक क्या होती है। कहता है कि स्टैक एक नॉन प्रिमिटिव तथा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होती है जो कि लीफो के सिद्धांत पे कार्य करती है। किसके सिद्धांत पे कार्य करते हैं बेटा,
लीफो के सिद्धांत पे कार्य करती है। अब सवाल है कि लीफो क्या होती है, तो लीफो का मतलब होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, अर्थात जिस आइटम को, जो सामान को, जो डेटा को सबसे पहले ऐड करते हैं, जिस आइटम को सबसे पहले ऐड करते हैं, उस आइटम को, उस डेटा को सबसे बाद में रिमूव करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि जिस आइटम को सबसे बाद में ऐड करते हैं तो उस आइटम को सबसे पहले रिमूव कर दिया जाता है। समझ में नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो हम फिर काय के लिए तो समझिए थोड़ा सा। मान लिया जाए एक बैग, ये क्या है, ये बैग है, इस बैग के अंदर मुझे बुक रखनी है, वन बुक, टू बुक, थ्री बुक, फोर बुक, फाइव बुक, सब बुक है। अब इस बुक में हमको डेटा को रखना है, क्या करना है, डेटा को रखना है, मतलब इसमें डब्बा जो बैग है, इस बैग में क्या रखना है, डेटा में बुक को रखना है। तो सबसे पहले इसको डाल रहे हैं, सबसे पहले इसको हम डाल रहे हैं, यहाँ से डाल दें, जगह यहाँ पे खाली है, इतना जगह खाली है, ठीक है। चलिए फर्स्ट वाला के डाल दिए, तो यहाँ आ गया फर्स्ट, सेकेंड वाला डाले तो यहाँ सेकेंड आ गया, तीसरा वाला डाले यहाँ तीसरा आ गया, चौथा वाला डाले तो यहाँ चौथा आ गया, पांचवा वाला डाला तो यहाँ पांचवा आ गया, क्लियर है। चलिए अब आपका हाथ घुसाने वाला जगह नहीं है, बस उतने साथ घुसेगा जितना साथ में दिया स्पेस। तो पहले हम किसको डाले थे, एक नंबर को, फिर दो नंबर को, फिर तीन, फोर, फोर, फिर फाइव। अब इस डेटा को जरा निकालिए, तो जैसे इस डेटा को निकालते पहला कौन सा नंबर, पहला कौन सा निकला आपका, फाइव, उसके बाद कौन सा निकला मेरा, फोर, उसके बाद कौन सा निकला मेरा, थ्री, ठीक है, उसके बाद कौन सा निकला मेरा, टू, टू निकल गया, उसके बाद लास्ट में कौन सा निकला, ये निकला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम इसको डाले तो निकला कब, बाद में निकला, कब निकला, बाद में, लेकिन जिसको बाद में डाले थे, मतलब इसको बाद में डाले थे, ये निकला पहले। वही कहता है जिसको पहले ऐड करोगे वो बाद में रिमूव होगा, पहले ऐड इसको किए तो निकला कब, बाद में निकला। फिर कहता है उस आइटम सबसे बाद में होगा, उसके बाद कहता है कि जिस आइटम को सबसे बाद में ऐड करोगे, हम सबसे बाद में ऐड किए थे किसको, फाइव को, निकला कौन सा, सबसे पहले कर देते हैं, सबसे पहले निकाल देते हैं। तो यही है लीफो, यही है इस लीफो का सिद्धांत, यही कहता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिस आइटम को पहले डालिएगा बाद में निकलेगा, बाद में डालिएगा पहले निकलेगा, क्लियर है। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, कोई दिक्कत है यहां तक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसका एक डायग्राम बनाते हैं, इस टैग का देखिए, अब प्रश्न समझिएगा कि क्या है ये चीज, समझिए थोड़ा सा। देखिए हमने यहां क्या लिखा है, एक डायग्राम बनाते हैं, चलिए चलिए, देखिए ये आइटम मेरा है, डेटा जिसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हम लाइन देते हैं, मतलब बगल से आप कोई भी चीज खींच के निकाल नहीं पाइएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपसे पूछेगा ये डेटा है, ये वन टू थ्री फोर फाइव समझिए। तो जब भी हम लोग डेटा डालते हैं तो डेटा जो बाहर से डेटा डालते हैं, जो डालते हैं इस डालने के प्रोसेस को, क्या डालने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पुश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुश बोलते हैं, डालने के प्रोसेस को पुश, मतलब जो डेटा जो बाहर में रहेगा उसको जो हम लोग डालेंगे वो उसको हम लोग उस प्रोसेस को, उस क्रिया को, जो डालने की प्रोसेस जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमीडिएट, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पुश बोलते हैं, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, पुश, डालने के प्रोसेस को उस। अब जो डेटा जो निकालेंगे इस साइड से आपको बंद है, आप नहीं निकाल सकते, निकलेगा ऊपर से। अब जो निकालेंगे डेटा को, उस निकालने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉप, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, पॉप, डालने के प्रोसेस को पुश, निकालने के प्रोसेस को पॉप। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, डेटा जब हम लोग डालते हैं वो एक ही इंड से डाल रहे हैं, कौन सा इंड से डाल रहे हैं हम लोग, टॉप इंड से डाल रहे हैं, कौन सा इंड से डाल रहे हैं, टॉप इंड से डाल रहे हैं, ऊपर से डाल रहे हैं, निकाल भी कहां से रहे हैं, टॉप इंड से ही निकाल रहे हैं, डालते भी टॉप इंड से, निकालते भी टॉप इंड से, ठीक है।
जब स्टैक पूरी तरीके से फुल हो जाता है, मतलब पूरा फुल हो गया, तब उसको हम लोग बोलते हैं ओवरफ्लो। क्या बोलते हैं हम लोग? ओवरफ्लो। जब स्टैक पूरी तरीके से फुल हो जाएगा तो उसको बोलेंगे ओवरफ्लो। जब स्टैक पूरी तरीके से खाली हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग अंडरफ्लो। फिलहाल इतना दिमाग देने का नहीं, आपको ये रखना है कि डालने के प्रोसेस को पॉप, निकालने के प्रोसेस को पॉप, ठीक है? और डेटा कहां डालते हैं? टॉप एंड से निकालते हैं, कहां से? टॉप एंड से। क्लियर है? तो ये थी स्टैक का डिफिनेशन वगैरह, सब डायग्राम वगैरह बना दिया। अब थोड़ा सा फीफो के बारे में समझ लेते हैं कि फीफो क्या होती है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। आप अगर स्क्रीन शॉट लेना है तो इसका स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए, आप उतार लीजिएगा, ठीक है? समझना है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपसे, ठीक है? और कंप्यूटर साइंस वाला तो उसको तो चाहिए ही चाहिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्यू के बारे में। क्यू यू ई यू क्यू, क्यू का हिंदी होता है पंक्ति। क्या होता है? क्यू का हिंदी होता है पंक्ति। चलिए क्यू क्या होता है, ये भी वही डिफिनेशन रहेगा कि क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि एफ आई एफ ओ फीफो के प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत प्रिंसिपल पर कार्य करता है। अब सवाल यह कि सर ये फीफो क्या होती है? देखिए फीफो क्या होती है, फीफो इसका पूरा नाम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, अर्थात जिस आइटम को मतलब डेटा को ऐड करते हैं, क्या करते हैं? ऐड करते हैं, जिस आइटम को सबसे पहले ऐड करते हैं तो उसे सबसे बाद में उसे सबसे पहले रिमूव करते मतलब हटाते हैं, तथा जिस आइटम को सबसे बाद में ऐड करते हैं उसे सबसे बाद में ही रिमूव करते हैं। तो भाषा में समझ लीजिए हो जाएगा। देखिए लीफो में क्या था कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, एल आई एफ ओ लीफो के स्टैक के अंदर, स्टैक के अंदर क्या था कि लीफो था कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जिस आइटम को लास्ट में इन कीजिएगा पहले क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा, और पहले इन कीजिएगा तो लास्ट में आउट होगा। लेकिन यहाँ उसका उल्टा रिवर्स है। फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जिस आइटम को पहले ऐड करोगे वही आइटम सबसे पहले रिमूव होगा, और जिस आइटम को बाद में ऐड करते हैं वो सबसे बाद में ही रिमूव होता है। फॉर एग्जांपल के थ्रू समझिए, आप मेला देखने जाते हैं, आप ट्रेन का टिकट लेने जाते हैं, तो ट्रेन का टिकट होता है ऐसे खंभा टाइप का, ऐसे दिया रहता है दोनों साइड में, रहता है ना, ऐसे रहता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से जाते हैं, ये मेरा आइटम है, मेरा डेटा है, और ये मेरा डेटा ये भी है, समझिए थोड़ा सा। तो यहां से डेटा जा रहा है 1 2 3 4 5 जा रहा है, तो आपका यहां से जा रहा है, तो सबसे पहले ये देखिए, ये 2 3 4 5 यहां दीजिएगा, तो फर्स्ट वाला यहाँ मेरा काउंटर है, टिकट ये टिकट काउंटर है, ये
टिकट काउंटर है यहाँ पे टिकमा दिया, ठीक है ऐसे बना दिए टिकट काउंटर, हाथ निकाल दिए। चलिए देखिए, अब फर्स्ट आदमी यहाँ गया, यहाँ आया, पहले आया पहले लेके गया, फिर दूसरा आया दूसरा लेके गया, तीसरा आया तीसरा लेके गया, चौथा आया चौथा लेके गया। ऐसा होता है ना कि हम पहले जाएंगे तो पहले आएंगे। अब देखिए कोई चावल लेने, राशन कार्ड ज्यादा है लेकर के चावल लेने के लिए, तो जल्दी जल्दी जाकर के क्या करता है, सबसे पहले राशन कार्ड रखे, जल्दी से हम जाके रखेंगे तो सबसे पहले लेकर के आएंगे, तो सवेरे जाता है सवेरे लेकर के आता है। तो मतलब है कि सबसे पहले ऐड जिसको कीजिएगा सबसे पहले ही जाएगा। हम पहले देखिए, अब सवाल है आप वीडियो पहले देख रहे हैं तो आप लोग वीडियो पहले देख रहे, पहले आपका देखा हुआ जाएगा, अब तुमसे जो बाद में आएगा तो बाद में देखे जाएगा, यही होगा ना। तो इसी को कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका डायग्राम थोड़ा समझ लीजिए, डायग्राम भी थोड़ा समझा देते हैं आपको। ये मेरा दिया गया है, ठीक है, ये मेरा आइटम है, यहाँ पे ये आइटम है, ये सब क्या डेटा है जिसको हम लोग आइटम बोलते हैं, समझ लीजिए, ठीक है। देखिए तो इस यहाँ से जो डालते हैं, तो डालने के लिए क्यू के अंदर डेटा को जो डालते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इन क्यू, क्या बोलते हैं इन क्यू, और निकालने के प्रोसेस को डी क्यू, क्या बोलते हैं डी क्यू। और डेटा जो हम लोग डालते हैं कहाँ से डालते हैं, पीछे से डालते हैं, कहाँ डालते हैं बैक से डालते हैं, कहाँ से बैक या फिर रियर से डालते हैं, कहाँ से डालते हैं बैक या फिर रियर से डालते हैं, पीछे साइड से डालते हैं। अब एक बात बताइए, ये आगे में है तो अब आप बताइए, बगल से किसी को टिकट लेने दीजिएगा, आप ही बताइए, नहीं ना क्या बोलिएगा, चल मेरे पीछे लगा, हम पहले आए और आप पहले लेके जाइएगा, हम पहले नंबर लगे हैं, सुबह से नंबर लगे टिकट लेने के लिए, और अभी आप बीच में घुसिएगा, नहीं घुसाता है तो कहां से घुसाता है, पीछे से। तो डेटा कहां से घुसता है, पीछे से, निकलता कहां से है आगे से, क्लियर है। तो आगे वाला को हम लोग बोलते हैं फ्रंट, फ्रंट। तो डालना कहां से है, पीछे से, निकालना कहां से है आगे से। ये चीज थी आपका डेटा स्ट्रक्चर का, कुछ मेन पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ये इसलिए हम आपको बता दिए। देखिए एग्जामिनर से एक कदम आगे सोच के रखिए तो कभी आप दिक्कत नहीं होगा, हो सकता है अगर दे दे तब, क्योंकि पाइथन है तो पाइथन है तो डेटा स्ट्रक्चर तो नहीं है, क्योंकि क्लास 11th में आपका डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा हुआ, इसीलिए हमने बताया आपको, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम पीडीएफ लेकर आएंगे। और एक चीज और बताते हैं आपको, आपका जो 28 तारीख को महामैराथन क्लास चलेगा, क्या चलेगा मैराथन क्लास चलेगा, मैराथन क्लास किसका चलेगा, पूरा क्लास 12 का ITES चलेगा, ITES का पूरा मैराथन चलेगा, टाइम भी आपको बता देंगे, उस दिन पूरा ITES खत्म कर देंगे, चाहे सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, चाहे 2 घंटा हो 3 घंटा हो, लाइव आएंगे यूट्यूब पे, वहां आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज थी आपकी, कुछ टॉपिक बता दिया, उसके बाद फिर हम सेट लेकर के आएंगे। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर ITES का सेट नहीं है, सेट है उसका भी सेट है, कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है टाइम को देखते हुए थोड़ा सा मुझे हाथ से ही टाइप करना पड़ जाता है, इसीलिए हम क्वेश्चन बना के जल्दी से हाथ से ही आपको दे देते हैं, प्रिंट मारकर टाइप करके नहीं दे सकते कंप्यूटर से, ठीक है, टाइम नहीं रहता है इसीलिए। फिलहाल उसको भी देखिए और ये भी देखिए, उसके बाद हम कुछ पीडीएफ लेकर आएंगे वो भी देंगे और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद आपका बचेगा पाइथन और मोबाइल एप्लीकेशन, वो भी हम कवर कर देंगे। तो ये सारी पॉइंट थी, लेकिन हाँ और एक चीज सही कर दीजिएगा जो हम आपको बताए थे, देखिए अगर जो चैनल भी न्यू है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे को दोस्त लोगों को भेजिए, क्योंकि यहाँ कंपटीशन नहीं हो रही है, सबको पास होना है, सबको होना है पास होना है, ठीक है। तो चलिए आज तक यहीं तक रहने दीजिए, फिर मुझे याद दीजिए।